नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के स्टॉक के बारे में, जहां पे अच्छी और बुरी खबरों का सिलसिला रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे कभी एक अच्छी खबर आती है, उसके बाद एक बुरी खबर आती है, फिर अच्छी खबर आती है, तो आज यहाँ पे एक खबर आती हुई दिखाई दे रही है जिसका जानना आपके लिए जरूरी है। कहीं ना कहीं स्टॉक की अगर हम खबर से पहले बात करें तो आज के दिन स्टॉक अपर सर्किट पे 5% के लॉक होता हुआ दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बड़ी गिरावट के बाद निचले लेवल से थोड़ा बाउंस जो स्टॉक को देखने मिल रहा है, तो निवेशकों को थोड़ा सहारा जरूर मिलता हुआ दिखाई दे कि शायद कुछ रिकवरी हो जाए। लेकिन अभी आज जो ये तेजी देखने को मिली, उसमें अगर दिन की रेंज देखेंगे तो 420 दिन की लोअर रेंज और 428 के दिन की अपर रेंज यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन आज जो तेजी देखने मिली, उसके पीछे जो खबर काम करती हुई दिखाई दी, वो आप यहाँ देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जो मॉर्गन स्टेनली है, उसने यहाँ पे अपना मेंटेन किया है, जो अपना इक्वल वेट का कॉल वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 555 रुपए के टारगेट के साथ इक्वल वेट का कॉल जो है वो यहाँ पे मेंटेन किया, ये पॉजिटिव हुआ। और ये ऐसा तब होता हुआ दिखाई दे रहा है जब ये न्यूज आती हुई दिखाई दी आरबीआई की तरफ से, जिसमें आरबीआई ने एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एडवाइस किया है कि कहीं ना कहीं पेटीएम की जो रिक्वेस्ट है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, और कहीं ना कहीं अगर ये चीज का आपको पूरा तरीके से देखने को मिलेगा तो पेटीएम के जो कस्टमर है, जो यूपीआई सर्विस यूज करते हैं, वो अनइंटरप्टेड यहाँ पे सर्विस यूज कर पाएंगे, उसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पे चीजें देखी गई है। लेकिन अब जो न्यूज नेगेटिव निकल के आते हुए दिखाई दे रही है, वो है कि कंपनी के जो चेयरमैन थे विजय शेखर शर्मा साहब, उन्होंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होगी कि इस खबर को पॉजिटिव समझा जाए या नेगेटिव समझा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब से इस कंपनी का आईपीओ आया है, उसके बाद से इस स्टॉक ने लगातार निवेशकों को निराश किया है और निवेशकों के पैसे लगातार यहाँ पे डूबते गए हैं। और किसी भी लेवल से कोई खास रिकवरी देखने नहीं मिली थी, बीच में एक रिकवरी जरूर आई थी, लेकिन उस रिकवरी में भी बहुत से बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे उन्होंने यहाँ से एग्जिट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी में रिवाइवल देखने को नहीं मिला। लगभग 2000 के आसपास के ऊपर के प्राइस पे आईपीओ का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले आज 400 रुपए के आसपास इशू प्राइस चलता, स्टॉक का प्राइस जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर की अगर हम यहाँ पे बात करें, पेटीएम जिसकी यहाँ पे पेरेंट कंपनी है 197 पेटीएम पेमेंट बैंक जो है, उनके जो फाउंडर है विजय शेखर शर्मा साहब, जो है पेटीएम के फाउंडर रहे हैं कहीं ना कहीं, और अब उन्होंने यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। और ये जो है कंपनी की फाइलिंग में यहाँ पे बताया गया, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो नए चेयरमैन के लिए वो चालू कर दिया गया अपॉइंटमेंट के लिए कहीं ना कहीं। तो अब कौन नया बनेगा चेयरमैन, वो देखने वाली खबर होगी, लेकिन ये चीज निश्चित है कि अब यहाँ से इन्होंने रिजाइन जो है वो कर दिया है। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे कल के दिन देखने मिल सकता है, खबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका फैसला तो कल सुबह होगा। बहुत से लोग हर तरीके की बातें करते हैं कि अच्छा है बुरा है, कोई लोग चाहते होंगे अच्छा है कर दिया तो अच्छा है स्टॉक शायद चल जाएगा, कोई लोग बोलेंगे कि अब ये स्टॉक और डूबेगा। तो अब कल सुबह आपको साफ पता चल जाएगा, अगर लोअर सर्किट लगेगा तो डेफिनेटली ये स्टॉक में बुरा हुआ, और अगर अपर सर्किट लगने का सिलसिला चालू रहा तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं स्टॉक में मार्केट पॉजिटिव मान के चलेगा। क्योंकि अगर आप स्टॉक प्राइस के लिहाज से देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट जो है हाल में आपको एक महीने के अंदर में ही देखने को मिल गई है। लगभग 31 जनवरी की दिन आप देखें, जब तक वो न्यूज नहीं आई थी आरबीआई की तरफ से, तो हमने देखा था 760 रुपए के आसपास स्टॉक कहने के ट्रेड कर रहा था, वहां से 320 रुपए तक के लो जो थे इस स्टॉक में लगते हुए दिखाई दिए। पिछले 4-5 दिनों में इस स्टॉक को रिकवरी जरूर देखने मिली है, 320 से लगभग 420 के आसपास स्टॉक कहीं ना कहीं कामकाज करता हुआ अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके की चीजें यहाँ पे देखने मिली है रिकवरी की, तो वो यहाँ पे नहीं है। पिछले 4-5 दिनों से रिकवरी जरूर देखने मिली, तो क्या ये खबर के दम पे पहले ही ये रिकवरी हो चुकी है, या फिर कल यहाँ से और रिकवरी प्रोसेस होना चालू होगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, तेजी होगी या होगी गिरावट? मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।